नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। लगातार बारिश जो है वो रुकती नजर नहीं आ रही है। ग्वालियर, चंबल, सिवनी, मंडला, दमोह और बुरहानपुर जिलों में बाढ़ के हालात है। वही मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर पूर्वानुमान जताया है। भोपाल, जबलपुर समेत प्रदेश के 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अब तक एक महीने में 14.6 इंच बारिश हो चुकी है। कई शहरों और गांव की तस्वीर ही बदल गई है। कहीं नदी समुद्र का रूप ले चुकी है तो कहीं नाले उफान पर हैं। ट्रैक्टर भी नदी में फंस गया। जलप्रपात भी यहाँ पर लबालब भरे हुए हैं तो कहीं इतनी बारिश हुई है कि रपटा ओवरफ्लो होने लगा है। बारिश की वजह से दफ्तरों में पानी घुस गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो सब पानी पानी है। तस्वीरें देखिए जो एमपी के शहरों और गांव का हाल बयां कर रही हैं। तस्वीरें मुरैना की, क्वारी नदी उफान पर है, तेज बहाव के साथ रपटे पर पानी बह रहा है। दमोह में चौकी भर का वाटरफॉल की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। देखने में भले ही आकर्षक दिख रहा हो लेकिन यहाँ पर जल सैलाब मानो आया हुआ है। बाढ़ में छतरपुर में लोग फंसे हुए हैं, 5 लोग फंस गए, उन्हें रेस्क्यू किया गया। मुरैना से एक और तस्वीर सामने आई जहां रपटे के ऊपर इतना पानी आ गया कि लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। पन्ना में भी बारिश से हाहाकार है तो वहीं हरदा में भरपूर बारिश हुई है। रतलाम में मूसलाधार बारिश हुई है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, घरों और दुकानों में पानी भर गया। शहर का न्यू रोड जलमग्न हो गया। नगर निगम के दावों की पोल खुली है। शास्त्री नगर, पीएनटी कॉलोनी, अलकापुरी, जवाहर नगर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस कदर पानी यहां पर भरा हुआ है। सड़क ही नजर नहीं आ रही, पानी ही पानी है। लोगों के घरों, दुकानों के अंदर भी पानी अब भर आया है और ऐसे में कई इलाके जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, रतलाम की है ये। घरों, दुकानों के अंदर पानी, बाहर सड़क पर पानी ही पानी। सड़क नजर ही नहीं आ रही, सिर्फ लबालब हर तरफ पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। शहर के कई इलाके इस समय जलमग्न हैं। लगातार हो रही जो बारिश अभी थमती नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ रतलाम का हाल बताने के लिए सुधीर जैन और मुरैना की तस्वीरें दिखाने के लिए अमित शर्मा जुड़ गए हैं लाइव। सुधीर, मैं पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि हम रतलाम की तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे थे, किस तरह वहां पर हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। देखिए, पानी की जहां तक बात है तो रतलाम वासियों को इंतजार था तेज और झमाझम बारिश का। बीते साल के मुकाबले रतलाम की अगर मैं बात करूं तो 11 इंच बारिश का आंकड़ा यहां पर कम था और इसी बारिश के आंकड़े को आज की इस बारिश ने करीब करीब तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ बहुत हद तक पूरा कर दिया। लेकिन आलम देखिए, जो बड़े बड़े दावे जो प्रशासन करता है, नगर निगम करता है, उसकी पोल इस बार भी खुली है। अभी हम खड़े हैं रतलाम शहर के जो सबसे व्यस्त, सबसे महंगे और सबसे पॉश इलाका कहा जाता है, न्यू रोड। वहाँ की सड़कों का हाल मैं आपको सीधे दिखाता हूँ। ये देखिए, 2-2 फीट तक जो है सड़क के ऊपर पानी है। लगातार बारिश है, जो बाइक्स है वो गिरी है। लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। लगातार तेज और मूसलाधार बारिश का दौर बीते 3 घंटे से जारी है और ये देखिए पूरी रोड आप देख सकते हैं लबालब पानी से भरी हुई है। जो दुकानें हैं, दर्जनों दुकानों में यहाँ पे पानी भरा गया है। साथ ही साथ जो दुकान का सामान है वो या दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। लोग अपने ऑफिसों में ही दुबके हुए क्योंकि गाड़ियां उनकी यहाँ पे फंसी हुई है। घर जो आसपास के जो इलाके हैं, शास्त्री नगर सहित जो अलकापुरी है, पीएनटी कॉलोनी है, वहां पर भी इसी तरह के नजारे आज रतलाम शहर में दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर रही है कि वहां पर हालात मुश्किल बने हुए हैं लोगों के लिए। सुधीर, मैं लौटूंगी आपके पास। मुरैना चलते हैं, अमित शर्मा भी जुड़ गए हैं हमारे साथ और दमोह से आशीष जैन भी जुड़े हुए हैं। अमित, मुरैना का हाल बताएं।
अब बिल्कुल देखिए अपना मुरैना की बात की जाए तो आज दो ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, कहीं नदी ने रास्ता रोक दिया है तो कहीं नाले ने रास्ता रोक दिया है। सुबह तस्वीर निकल करके आई थी बागचीनी थाना क्षेत्र से, यहाँ क्वारी नदी ओवरफ्लो हो गई थी जिस वजह से एक दर्जन गाँव ऐसे हैं कि नदी के जो पुल बना हुआ था उस पर ओवरफ्लो पानी था, जिस वजह से एक दर्जन गाँव के लोगों का जो मुरैना से संपर्क कट गया था। हालांकि कुछ लोग लापरवाही बरत रहे थे, कोई ट्रैक्टर को लेकर के पैदल ट्रैक्टर को लेकर के निकल रहा था तो कोई बाइक से निकल रहा था, ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है लेकिन लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं थी। दूसरी तस्वीर की बात की जाए तो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पालपुर गांव से निकल करके सामने आई है। पालपुर गांव एक ऐसा गांव है जहां से 3 से 4 पुरा पट्टी जुड़ते हैं लेकिन उस गांव का संपर्क अब मुरैना से कट गया है, यानी कि 3 से 4 गांव का और संपर्क कट गया है क्योंकि पुल के ऊपर 2 फीट पानी बह रहा है और लोग उसी पानी में नहा रहे हैं तो कोई बाइक लेकर के निकल रहा है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो लापरवाही की तस्वीरें भी हैं वो भी सामने साथ ही साथ निकल कर के आ रही है। बिल्कुल हालात मुश्किल हैं लेकिन ऐसे में भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं तो हम भी दर्शकों से यही अपील करते हैं कि अपनी जान को खतरे में ना डालें क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, हादसे हो भी रहे हैं, लगातार तस्वीरें भी और खबरें हम दर्शकों को दिखा ही रहे हैं। दमोह चलते हैं, आशीष दमोह में क्या हाल है? हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह में भी हमने 2 तस्वीरों के माध्यम से न्यूज 18 के दर्शकों को पहुंचाने की कोशिश की है। तो एक तस्वीर जिस आई है जिसमें लोग नाले को पार कर रहे हैं, जान का जोखिम उठा रहे हैं, जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। बारिश का दौर है, ऐसे में नालों के ऊपर से पानी बड़ी मात्रा से निकल रहा है लेकिन उसको पार करने का जोखिम लोग उठा रहे हैं, बाइक सवार हैं, पैदल लोग हैं, स्कूली बच्चे हैं। तो दूसरी तस्वीर एक वाटरफॉल की सामने आई जो सुखद तस्वीर कही जा सकती है क्योंकि दमों में बारिश जब होती है तो विभिन्न जो पहाड़ी इलाके हैं, वनांचल वाले इलाके हैं, वहाँ पर जो वाटरफॉल है वहाँ की एक सुखद तस्वीर भी निकल करके सामने आई है। तो अब ग्रामीण अंचलों में पानी को लेकर के ज़्यादा कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। जो 2 दिन पहले दमों शहर में तस्वीर निकल करके सामने आई थी यहाँ पर नाव चलानी पड़ी थी, तो वहीं अब ग्रामीण अंचलों से तस्वीरें आ रही है जिसमें लोग अब जान जोखिम में उठा रहे हैं क्योंकि वहां पर जो प्रॉपर तरीके से पुल नहीं बने हैं, रिप्टानुमा पुल है और उनमें से निकलना लोगों की मजबूरी भी है और तो वहां पर यह तस्वीरें निकल के साथ। हालांकि अब दमोह जिला मुख्यालय से दमोह जिले में भी बारिश आज तो नहीं हुई है लेकिन फिर भी जो बारिश हुई है उसका पानी निकलने को है और इस तरह की तस्वीरें अब निकल करके सामने आ रही है। आगामी दिनों में हालांकि अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है और देखना होगा कि कितनी तेज बारिश होती है क्योंकि मौसम लगातार बना हुआ है और लोग जान का जोखिम जो उठा रहे हैं उसको लेकर के न्यूज 18 लोगों को लगातार कह रहा है, अपील कर रहा है कि आप अपनी जान का जोखिम ना उठाएं जिससे आपकी जान बची रहे क्योंकि इसी तरह की थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान भी ले सकती है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप सभी का ही, तीनों का ही, इन तस्वीरों के लिए भी और तमाम जानकारी हमें देने के लिए भी। अब आपको दिखाते हैं कटनी की तस्वीर जहां भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक डूब गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी में डूबे रेलवे ट्रैक पर किस तरह से आगे आगे रेल कर्मी चल रहे हैं और पीछे पीछे बहुत ही धीमी गति से ट्रेन आ रही है। गनीमत रहे कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से कटनी और जबलपुर के बीच ट्रेनें धीमी रफ्तार में चलाई जा रही हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हालात से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है कि कटनी जिले में अतिवृष्टि से कई स्थानों पर जलभराव और बाढ़ के हालात बने हैं। मैंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात कर उनसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त की और गंभीर स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दिए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए SDRF, NDRF, होमगार्ड के जवान और पुलिस प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उन्हें हर संभव मदद दी जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे जहां उन्होंने कोयंबटूर में अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों से बात की, प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा की। उन्होंने निवेशकों को निवेश की संभावनाओं से अवगत करवाते हुए एमपी में निवेश के लिए न्योता दिया। निवेशकों ने भी सीएम के साथ चर्चा के बाद उद्योग लगाने में अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि जबलपुर में स्किल सेंटर की शुरुआत होगी जिसके लिए सस्ती जमीन भी उपलब्ध करा रहे हैं। निवेश के प्रस्ताव लगातार आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति भी जल्द ही लाई जाएगी। निवेश के लिए एमपी में सब कुछ है। 320 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र हैं। सिंगल विंडो सिस्टम लागू है। नई औद्योगिक इकाइयां शुरू हो रही हैं। हमारी प्रतिभा अपने देश के अंदर व्यापार व्यवसाय के कारण से एक दूसरे राज्यों के नजदीक आए, ये आज की इन्वेस्टर समिट का बड़ा कारण ये भी है। हम और आप मिलकर के
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाने की दिशा में संकल्प लें। वैसे तो मैं कल से आकर के अत्यंत आनंद में डूबा, मुझे बड़ा मजा आया आप सबसे मिलकर के, और ये कोयम्बटूर को हमने अपने आप में अपने बलबूते पर जैसे खड़ा किया, त्रिपुर हो कोयम्बटूर हो, अब आपको मध्य प्रदेश बुला रहा है, आपका सबका स्वागत है। इसीलिए आज के दिन को अमिट बनाने के लिए, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का रिश्ता मजबूत करने के लिए हमने यहाँ से प्रेम बांटने के लिए आए हैं, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आए हैं, यहाँ से व्यापार छीनने नहीं आए हैं, आपको नए अवसर देने आए हैं, जिसके कारण से हम और आप मिलकर के एक नई एमपी में बीजेपी को हराने के लिए एसपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। विजयपुर बुधनी उपचुनाव में दोनों ही दल साथ साथ नजर आएंगे। बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया था, जिसके बाद अब एसपी कांग्रेस के साथ मिलकर उपचुनाव लड़ेगी। बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव जल्द होने वाले हैं, ऐसे में इन दोनों ही सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये ऐलान किया गया है। हम लोग इंडिया गठबंधन में है अभी, और जैसे भी आपसी सहमति बनेगी हम लोगों की आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा, लेकिन मजबूती के साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल है हम लोग देख रहे हैं कि 20 साल से मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य बना दिया है। तो आने वाले समय में 3 सीटों पर चुनाव होंगे, उसमें दोनों राजनीतिक दल बैठ के चर्चा करेंगे और अपनी एक साझा रणनीति बनाएंगे, जिससे कि हम चुनाव में जीत दर्ज कर पाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम सब ने देखा कि हमने मिलकर चुनाव लड़ा तो उत्तर प्रदेश में, और खासकर जो 400 पार का सगुफा ये पाले थे वो उनका ख्वाब जो था चकनाचूर हो गया। तो आगे भी आप देखेंगे इंडिया गठबंधन का ये गठबंधन खासकर समाजवादी पार्टी के साथ आगे भी जारी। उमरिया के दो गांव में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। बेलसरा और करही गांव में डायरिया के चलते 3 लोगों की जान चली गई है। 3 लोगों की मौत पर भड़के कलेक्टर, निर्देश पर गांव पहुंचा स्वास्थ्य विभाग, घर घर जाकर पीड़ितों का इलाज शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के 3 कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। कई लोग डिंडोरी जिला अस्पताल में एडमिट हैं, डायरिया की शिकायत इन लोगों को है। 2 गांव हैं उमरिया के, बेलसरा और करही, जहां पर डायरिया के चलते लोग लगातार बीमार हैं, पीड़ित हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है और ऐसे में कलेक्टर ने यहां पर सख्त निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर पीड़ितों का इलाज शुरू करे। हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम में कल से ही सक्रिय है। अभी हमने जिला स्तर से CMHO और उनकी टीम को भेजा गया है। हमारा राजस्व अमला, तहसीलदार, SDM भी सक्रिय हैं। गांव में स्थिति नियंत्रण में सतत निगाह रखी जा रही है। कल रात बेलसरा से 6 मरीजों को जिला चिकित्सा लाया गया था, जिसमें से 4 स्वस्थ होकर वापस चले गए, 2 का भी इलाज जारी है। ब्रिजेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रिजेंद्र, 3 मौतों के बाद जागा है प्रशासन? जी बिल्कुल, ये कहना उचित है कि 3 मौतों के बाद प्रशासन जागा है और स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही इसे माना जाएगा। जिनका मैदानी अमला, जो आशा कार्यकर्ता सहयोगनी से लेकर के ANM और सारा अमला जो है उनका गांव में रहता है, इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग को इतनी बड़ी जो गांव में बीमारी फैली उसकी खबर नहीं लगी और 3 मौतें हो गई। लोग गांव से, चूंकि ये पूरा जो गांव है, ये इलाका है, ये डिंडोरी जिला से लगा हुआ है और वहाँ के जो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो डिंडोरी जिले के सहपुरा अस्पताल पहुंचे और वहाँ उसके बाद जानकारी जिले में आई, तब जाकर के और स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है आज वहाँ मौके पर पहुंचा है और गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर के मरीजों की देखभाल की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अब तक 3 लोगों की मौत सामने आई है और दर्जनों लोग अभी भी पीड़ित बताए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब बात रायसेन की, जहां हादसा टला है, बाल बाल बच्चे बचे हैं। स्कूली बच्चों से भरे ऑटो का टायर फटने से यह हादसा हुआ। सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल की लापरवाही सामने आई है। ऑटो में जरूरत से ज्यादा बच्चे सवार थे और स्कूल के बच्चे इस ऑटो में बैठे हुए थे, अचानक से ऑटो का टायर फट गया। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बच्चे, बाल बाल बच्चे, ये राहत रहे।
एमपी में एक और नया जिला बनेगा। छिंदवाड़ा जिले से अलग करके एक और नया जिला बनाने की कवायद शुरू हो गई है। राजस्व विभाग ने छिंदवाड़ा कलेक्टर से जुन्नार देव को जिला बनाने का प्रस्ताव मांगा है। पिछले साल विधानसभा चुनाव के पहले छिंदवाड़ा से अलग कर पांडुना को जिला बनाया जा चुका है। छिंदवाड़ा लोकसभा में शामिल 7 विधानसभा क्षेत्र पहले ही एक ही जिले में आते थे। अब पांडुना के बाद अगर जुन्नार देव जिला बना तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट 3 जिलों में बढ़ जाएगी। तो 3 जिले हो जाएंगे, जुन्नार देव, छिंदवाड़ा और पांडुना। तामिया, जुन्नार देव, परासिया शामिल। छिंदवाड़ा लोकसभा में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। वादा हुआ था कि कमल शाह जी को मंत्री बनाएंगे, वो तो अभी पूरा हो नहीं पा रहा है। और जो नागर जी का मंत्रालय छीना गया है, उससे उठा पटक भारतीय जनता पार्टी वैसी चल रही है। और मैं नहीं समझता कि ये इनको और बड़ी मुश्किल से बाय हुक और कुक अमरवाड़ा की सीट ये जीत के आए हैं। तो कुल मिला के छिंदवाड़ा की जनता का कमलनाथ जी के प्रति और कांग्रेस के प्रति झुकाव है, ये अमरवाड़ा ने सिद्ध कर दिया है। तो ये जिले बनाने से, चाहे वो हर तहसील को जिला बना दें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, वो लोग कह रहे हैं जो अपने राजनीतिक कार्यालय को कभी खोलते नहीं और बंद हमेशा मिलता है। आज जब छोटे जिले बनकर लोगों को सहूलियत देने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही, जो लंबे समय से लंबित थी, जनता की चुनी हुई सरकार जनता के हित में कई बार निर्णय लेती है और इसी तारतम्य में हम जिले बनाकर लोगों को सुविधा दे रहे हैं। तहसील केंद्र पास होगा उनका, जिला मुख्यालय पास होगा तो लोगों को सुविधा होगी। लेकिन इस सुविधा को देख कांग्रेस आखिर क्यों विचलित हो रही है? आप भी तो करिए कुछ जनहित के काम। आपको हर जनहित के कार्य में बाधा डालनी है, विरोध करना है। जनता देख रही है, 29 की 29 लोकसभा चुनाव में आपको जवाब दे चुकी है और विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की मूकी खाई। आज भी यदि जनता के हितों को आप नकारेंगे तो आपका यही हश्र होना। एमपी में स्कूल के बच्चों के एडमिशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब अभिभावकों को अपने बच्चों के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन के लिए परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। प्रदेश में नर्सरी, KG1, KG2 और पहली क्लास में एडमिशन के लिए तय हुई आयु सीमा में छूट बढ़ा दी गई है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। नए आदेश के तहत अब बच्चों के लिए आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 की जगह 31 जुलाई कर दी गई है। पहली क्लास में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु की गणना अब 30 सितंबर से होगी। पहले ये गणना 1 अप्रैल 2024 थी। नए आदेश के अंतर्गत अब 30 सितंबर तक की जन्मतिथि वाले बच्चे भी पहली क्लास में प्रवेश ले सकेंगे। अगली खबर इंदौर से है, जहां दो पक्षों में विवाद के बाद गोली चली है। खजराना इलाके में गोलियां चली हैं, जमकर लाठियां भी चली हैं विवाद में। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बड़ी खबर इंदौर से, दो पक्षों में विवाद हुआ, उसके बाद गोलियां चली हैं। खजराना इलाके में गोली चली है, विवाद में दोनों ही पक्षों के बीच जमकर लाठी भी चली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जो वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। ये पूरा वाक्या, ये वारदात, जहां पर पहले विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, उसके बाद एक गोली चलाई शख्स ने और गोली चलाने वाले शख्स के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। एक शख्स को आप गुलाबी कुर्ते में देख सकते हैं। एक ग्रुप ये है और एक दूसरा ग्रुप है। देखिए, ये भाग कर शख्स बाहर से आता है जो फायरिंग करता है। उसके साथ कुछ और लोग भी हैं जो उसको रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं।
खजराना इलाका जहां पर ये गोली चली है, लाठीबाजी हुई है। एमपी में प्रशासन का बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है। भिंड में भी अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। रेलवे की जमीन पर मंडी के व्यापारियों ने अतिक्रमण किया था। नगरपालिका ने ठेले वालों के लिए हॉकर जोन बनाया था, लेकिन हॉकर जोन पर व्यापारियों ने कब्जा किया हुआ था। प्रशासन ने यह अतिक्रमण हटाया। अस्थायी टीन शेड को जेसीबी से हटा दिया गया। बता दें कि नगर पालिका ने कई साल पहले लाखों रुपए खर्च कर यहां हॉकर जोन बनाया था, लेकिन ठेले वाले यहां शिफ्ट नहीं हुए और व्यापारियों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब इस कब्जे को प्रशासन ने हटा दिया है। भिंड की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से हॉकर जोन पर जो व्यापारियों ने कब्जा किया हुआ था, उस कब्जे पर कार्रवाई यहां पर प्रशासन ने की है। ये हॉकर जोन बनाए गए थे ठेले वालों के लिए, लेकिन ठेले वाले यहां पर शिफ्ट नहीं हुए और उसके बाद यहां से ये अतिक्रमण व्यापारियों का इस तरह से जेसीबी की मदद से हटाया गया।